हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ऐसे में रेडियो चाची लग रही हो पर कोई नहीं। वैसे येस्टरडे आई हैवंट शूट एनीथिंग बिकॉज हमने ऐसे कुछ करा नहीं था, तो क्या दिखाना, आप भी बोर हो जाते हैं कि ये पागल से कुछ कर ही नहीं रही है और फालतू में शूट कर रही है। तो और वैसे मेरा कल शाम को मूड ऑफ हो गया था बिकॉज किसी कारण से, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो फिर अभी हम जा रहे हैं, फिर से मैं रिवील नहीं करूँगी हम कहाँ जा रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ मैं जहाँ जा रही हूँ। हाँ मैं आपको बताऊंगी नहीं, फिर से खुश हूँ फिर से, और आप इसको फिर से देख सकते हो, फिर से ड्रीम डेस्टिनेशन है। हाँ ये भी ड्रीम डेस्टिनेशन है फिर से, और हमारे साथ फिर से वही वाले भैया है। तो हम लोग जा रहे हैं, सो मिलते हैं आपको वही रास्ते में। बाय। अकीदत से जिस दर सर झुके वहां हो तेरी मौजूदगी, होले गाइस आई एम बैक। एंड आप लोगों को मैं इतना रास्ता इसलिए नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज आपने पिछली वीडियो में भी रास्ता ही देखा और उससे पिछली वीडियो में भी रास्ता ही देखा, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। एंड ये पीछे छोटा सा है हम रेस्ट करने के लिए, या थोड़ा खड़े हो गए थे चाय पीने के लिए बिकॉज थोड़ी थकान लगी थी इतना देर कार 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 में। एंड ये दिख रहा है आपको, ये डॉगी को बिस्किट खिला रही है और इतना प्यारा है। उसका नाम क्या है? रॉकी है इसका यार, एंड शी इज़ अ डॉग लवर। तो आप देख ही सकते हो वाह कितने प्यार से खा रहा है। एंड ये हमारे ड्राइवर भैया, हाय कर दो, हाय देखो भैया। और तो हम यहाँ से 30 किलोमीटर है और पहुँचने में थोड़ा देर लगेगी, तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ आपके पास। एंड अब की बारी मैं आपसे ज़्यादा बात करूँगी, ना कि ट्रैवलिंग रोड दिखाते हुए। तो मिलते हैं। सौ मुरादों से तू है मिला, मेरे गर्वों का तू है सिला, फैसला ले ले हसला। So guys, right now we are in सोनप्रयाग। हम अभी जस्ट पहुंचे हैं एंड हमें यहाँ अपनी कार पार्क करनी है बिकॉज हमें यहाँ से थोड़ा पैदल जाना पड़ता है। आगे हमें पासेस मिलेंगे ऊपर जाने के, देन इसके बाद हमें टैक्सी लेनी है, फिर ऊपर जाना है, देन उसके बाद पैदल चलना है। तो हालत टाइट होने वाली है, देखते हैं। वैसे यहाँ कुछ ठंडा वंडा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को तो कुछ फील नहीं हो रहा है, बाकी आप इसको देख सकते हो। एंड हम दो ही जैकेट लेके आए थे ना, हम पिछले मैंने ये डेनिम जैकेट पहनी थी, उसने वो वाली अब मैं पहनूंगी और ये वाली, ये हम क्या कर सकते हैं अभी इसलिए। तो गाइस आगे मिलते हैं, बताती रहूंगी क्या होगा। और इसे देखो ना, भुक्कड़ को पूरी मिरिंडा अकेले पी गई है, मीन्स फैंटा। सो गाइस मिलते हैं, बाय। तो गाइस अभी हमने ई पास बना लिया है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, देन उसके बाद टेम्परेचर टेस्ट करवा लिया है। सो इसके बाद हमें जाना है गौरीकुंड, वो भी गाड़ी लेके। आप देख सकते हैं ऐसे करके ट्रैकर्स जाते हैं, तो हमें गाड़ी लेके अभी गौरीकुंड जाना है, देन उसके बाद हमें पैदल चलना है। सो मिलते हैं। एंड ये सोनी का दोस्त है, यहाँ पर भी उसने दोस्त बना लिया। सो मिलते हैं आपको आगे। बाद हमें पैदल जाना है, बट 5:10 5:15 हो रहे हैं, तो अभी ऊपर जाना अलाउड नहीं है बिकॉज
हम आधे रास्ते तक ही पहुंच पाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे आज। आज हमें होटल लेके रहना पड़ेगा, देन हम सुबह 4 बजे निकल पाएंगे यहाँ से। और आप देख सकते हो ऐसा यहाँ का दिखता है। बैकिंग मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सो गाइज, हम होटल पहुंच चुके हैं और ये बहुत 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 बुरा है, और हमें इससे ज़्यादा कुछ मिल ही नहीं रहा था कहीं पे भी जा रहे थे। ये तो एटलीस्ट थोड़ा सही भी है, बाकी तो बहुत ही बुरा है। एंड ड्राइवर वाले भैया का दूसरा रूम है, हमारा दूसरा रूम है, एंड यहाँ के होटल्स बहुत बुरे हैं बहुत। एंड यहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, सिर्फ जियो वाले कहेंगे, और कोई भी वाईफाई वाला, कोई भी एक भी होटल नहीं है। एंड हम क्या करें, हम पे जियो नहीं है, वी डोंट यूज़ जियो मैन। हमें को इतना पूरा लग रहा है, क्या करें। अभी हम ऐसे ही देखेंगे, देन हम सुबह उठेंगे एंड आई थिंक गौरीकुंड जाएंगे, देन उसके बाद केदारनाथ जाएंगे, क्योंकि मम्मी भी बोल रही थी पहले बोलते हैं गौरीकुंड में जाना चाहिए देन केदारनाथ जाना चाहिए। तो देखते हैं, अभी गौरीकुंड में जाके फिर केदारनाथ जाएंगे सुबह, वो भी 4 बजे निकलेंगे क्योंकि अभी बच चुके हैं 5:30 एंड देन वो हमें जाने नहीं देंगे। तब से मिलते हैं। सो गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है सुबह के 5 एंड हम उठे थे 4:45 पे एंड मेरा गला भी बैठ चुका है ठंडी की वजह से। और सच में यहाँ ठंडा हो रहा है। मैं बोल रही थी ना, पहले बद्रीनाथ के लिए बोला गया था कि ठंडा होगा, और वहाँ ठंडा नहीं था। यहाँ के लिए बोला गया था ठंडा है, पर मैंने तो भी नहीं माना। मेरे का अगर पिछली बार ही नहीं हुआ था, अब भी क्यों होगा। फिर यहाँ ठंडा है। तो 5 बज रहे हैं, अभी देखते हैं। लाइट तो अभी आई नहीं वैसे, मतलब उजाला भी हुआ नहीं है, पर हम सोच रहे हैं पहले, मतलब हम लोगों में बोलते हैं गौरीकुंड में पहले नहा के फिर जाते हैं, तो नहाना तो पॉसिबल नहीं है। गौरीकुंड में वैसे गर्म पानी आता है, बट नहाना पॉसिबल नहीं है। हम नीचे जाके हाथ धुल लेंगे एंड देन उसके बाद केदारनाथ के लिए निकलेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको जब मैं गौरीकुंड जाऊँगी। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम हो चुके हैं रेडी, आप सभी देख सकते हो। यहाँ हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 एंड अभी हम जाएंगे गौरीकुंड। हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं बिकॉज शायद हम, पता नहीं है, आगे बताएंगे। तो हम जा रहे हैं और यहाँ कुछ ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो मिलते हैं आगे। एंड गाइस, ये गौरीकुंड है, यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड आगे मैं आपको दिखाती हूँ पानी, यहाँ तो हर ही जगह पानी है, आप तो देख ही तो आ रहे हो, पानी पानी और पानी। सो गाइस, ये है गौरीकुंड मंदिर, बड़ा छोटू सा है, कहीं नहीं। एंड दिस इज द टेम्पल, आप देख सकते हो। तो गाइस, ये टेम्पल है, ये गौरीकुंड मंदिर है, यहाँ पे मेंशन हो रखा है, आप देख सकते हो। तो गाइस, हमें रास्ता नहीं पता था एंड हम कुंड आ चुके हैं एंड यहाँ आर्मी के लोग भी हैं। तो आप देख सकते हो, इसे कुंड कहते हैं। यहाँ से थोड़ा धुआं भी आ रहा है बिकॉज दिस इज हॉट वाटर। एंड देखते हैं, आगे बताती हूँ। मजा ही आ गया गाइस। वहाँ का पानी बहुत हॉट था, गौरीकुंड का, और मतलब बहुत ज्यादा हॉट था, और मजा ही आ गया। हम वहाँ नहा नहीं सकते थे बिकॉज वो डर्टी वाटर था, बट बाकी तो हमारे में बोलते हैं कि वहाँ नहा के जाना चाहिए, और हम नहाना पॉसिबल भी नहीं था बिकॉज हम तैयार हो चुके थे और थोड़ा डर्टी भी था, बट हैंड धुल दिए हैं तो वैसे ही सेम। तो गाइस, हमने मास्क ले लिया है और देख लो पीछे से घोड़े आ रहे हैं, और हमने स्टिक्स भी ले लिए बिकॉज हमारे तो बहुत ही मुश्किल होगा ऐसे चलना, और मैं तो पीछे थक गई हूँ। आगे देखते क्या होता है। बाय बाय।
गाइस अभी हम चल ही रहे थे एंड हमें एक वाटरफॉल मिल गया छोटा सा एंड आप देख सकते हो मैं चल ही रही हूँ। अब पता नहीं आगे क्या होता है, हम थोड़ा सोचते रहे हैं खच्चर लेने की, बाकी बता देते हैं। सो गाइस अभी हम यहीं तक पहुँचे थे थोड़ी दूरी, आई थिंक 1 किलोमीटर एंड हमारी हालत अच्छी है ख़राब, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, हमें थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम है तो मुझे सांस भी नहीं जा रही है। बाकी आगे देखते हैं चलते हुए क्या होता है और कब तक पहुँचते हैं। आप इसकी हालत भी देख सकते हो, इसकी हालत भी ऐसी हो रही है। सो आगे मिलते हैं गाइज। यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ मी देर इज स्नो एंड मेरे सामने बर्फ़ पड़ रखी है, आप देख ही सकते हो मेरे को कितना बर्फ। यू कैन सी भैरव मंदिर चिरवासा है एंड ये टेम्पल है, आप देख सकते हो ये बड़े क्यूट से, यहाँ के टेम्पल्स मुझे बहुत पसंद आए और यहाँ के टेम्पल बड़े कलरफुल होते हैं। और आप लोग बोल रहे होगे कि ब्लॉग में तुम टेम्पल ही टेम्पल की दिखा रहे हो, बिकॉज मेरे को टेम्पल जाना बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अच्छी वाइब्स आती है यार। और जब मैं गोवा मुंबई गई थी और शिरडी भी, तो तब मैंने यूट्यूब चैनल नहीं खोला था तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई एंड ज़रूर ज़रूर दोबारा भी जाऊंगी और आप लोगों को शो करूंगी। तो मिलते हैं आगे। हेलो गाइस अभी हम भीम बली पहुँचे हैं एंड यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर है केदारनाथ के लिए और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, पर पहले मैं पहुँची थी देन ये लोग पहुँचे थे तो मैं पहले पहुँची थी और अब थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया है। बाकी देखते हैं इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, अब इसकी चक्कर देख लो। अब बीच में मुझे एक मतलब ऐसी साथ में चलने वाला मिला था तो उसने मुझे आलमंड और पिस्ते भी दिए तो मैंने खा लिया और मैंने थैंक यू बोल दिया। जब भी मैं चल रही थी तब ये थक गई थी, अब जब ये चल रही है मैं थक गई, क्या कर सकते हैं यार, बड़ी अच्छी शक्ल आ रही ना। तो चलो मिलते हैं आगे। अब हम कर रहे हैं नाश्ता, हम भीम भैया कहाँ थे, कहाँ है हम भीम बली में हम, अभी हम यहाँ पे नाश्ता करना है बिकॉज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही आगे जाने की, यहाँ से नाश्ता करके देन हम चढ़ेंगे और पैदल ही जाएंगे आपके बलिया। सो आगे मिलते हैं हम लोगों को। तो गाइस आप देख ही सकते हो यहाँ इतना प्यारा वाटरफॉल हो रहा है और हम इस ब्रिज में एंड यहाँ पे भी वाटरफॉल हो रहा है और यहाँ खच्चरों की पोटी सॉरी और आप देख सकते हो हमें वहाँ पे जाना है तो आगे मिलते हैं। गाइस अभी हम यहाँ रुक चुके हैं बिकॉज इसके थोड़ा इन्फेक्शन है चेस्ट में एंड डॉक्टर ने इसे बाहर का खाने के लिए मना करा था, बट ये तो भी बाहर का खा रही है तो इस वजह से इसको पेन हो रहा है और ये अपनी मेडिसिन भी नहीं लेके आई है एंड अभी देखते हैं ऊपर जाने में 3 आवर्स तो लगेंगे एंड 2.5 आवर्स लगेंगे ही लगेंगे, हम जैसे चल रहे हैं एंड मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, इस वजह से मैंने मीन्स हेडफोन्स लगा लिए और थोड़े पम्पड अप सॉन्ग सुनूंगी जिससे मेरे को थोड़ी एनर्जी आए एंड अगर इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो हम ऊपर इसे फिर दिखाते हैं बिकॉज वहाँ कैम्प्स है, हॉस्पिटल भी है तो आगे जाके मिलते हैं हम आपको। गाइस अभी हम बस चल ही रहे थे एंड यू कैन सी कि हम कितने क्लोज हैं उस पहाड़ से एंड सीरियसली गाइस मैंने लाइफ में अपनी कभी भी बर्फ़ नहीं देखी है, आगे आप सोनी को देख सकते हो उसने बर्फ़ देखी है, मैंने ना बर्फ़ देखी है ना छुई है, उसने तो स्नोफॉल तक देखा है एंड आई वांट टू गो देयर। सो चल ही रही है चलने का आगे आगे तो आगे मिलती हूँ मैं आप सबसे। मेरी तबीयत अब थोड़ी ठीक हो गई है हाँ तो इसलिए चल भी पा रही है, आगे अगर इसकी तबीयत ख़राब होती है ज़्यादा बीच ही रास्ते में ऊपर भी नहीं पहुँच पाए तो हम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर देंगे। बाकी बहुत हाई एल्टीट्यूड में और मेरे को सांस लेने की प्रॉब्लम है और मुझसे सांस थोड़ी मुश्किल ली जा रही है, बट कोई नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सो हम जा रहे हैं। गाइस आप देख ही सकते हो मेरे सामने ग्लेशियर है वो भी बहुत बड़ा एंड ये स्नो बहुत प्यारी लग रही है एंड आई कैन टच इट, ये मेरे पास से क्यों निकल रहे हैं चिची तो आगे मिलते हैं। Thank you.
गाइज आप देख सकते हो मेरी हालत कितनी ख़राब हो रखी है। एंड यहाँ से 2 किलोमीटर है बस और ऊपर, और पीछे देख लो फॉग कितना ज़्यादा है मेरे जस्ट पीछे। अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, तो गाइज आपको आगे मिलती हूँ। गाइस यू कैन सी जो यहाँ पे आपदा आई थी, जो यहाँ पे बाढ़ आया था वो यहाँ पे आई थी, एंड देन इसके वजह से सब चला गया था। और मैंने आपको रामबाड़ा भी दिखाया था, तो रामबाड़ा तो पता ही नहीं लगा कहाँ गया उस बाढ़ में। और आप ये सारी जगह देख सकते हो, एंड गाइस ये यहाँ का हेलीपैड है, आप देख ही सकते हो, दिस इज हेलीपैड। सॉरी हाँ, मैं ऐसे बार बार ही हाँफ रही हूँ एंड इनकी आवाज़ नहीं आ रही होगी, बिकॉज जो जो केदारनाथ आए होंगे पैदल उन्हें पता है कैसी हालत हो रही है, सो सॉरी। एंड यू कैन सी दैट इन दिस लॉकडाउन द गाइस आर प्लेइंग क्रिकेट इन हेलीपैड, देख लो ये पूरा हेलीपैड है एंड द गाइस आर प्लेइंग क्रिकेट। तो लॉकडाउन ने तो पता नहीं क्या ही क्या करवा दिया। सो गाइस अभी मैं चली रही हूँ एंड वो लोग आगे निकल चुके हैं, मैं बहुत थक चुकी एंड आई इवन कांट ब्रीथ हियर एंड इवन कांट स्पीक लाउडर, सो सॉरी अगर आपको ज़्यादा तेज़ आवाज़ ना आ रही हो। पहुँचने वाले एंड पैदल आए हैं तो हमें पता है कैसा फील होता है, और जो जो लोग पैदल आए होंगे केदारनाथ उन्हें पता होगा कि कैसा फील होता है पैदल आने में। बट जो असली यात्रा होती है वो पैदल में ही मज़ा आता है, ग्लेशियर्स दिखे और बहुत इन्जॉय करने पैदल में, थके भी। और जैसे हम जो खच्चर होते हैं उसमें आएंगे तो उसमें इतना इन्जॉयमेंट नहीं होता है। एंड वैसे तो माई डैड वॉज टेलिंग टू मी कि आप लोग चॉपर से जाओ, बट इन दिस लॉकडाउन चॉपर बंद है इसलिए हम उससे नहीं गए। एंड अच्छा ही हुआ कि हम पैदल ही आ गए हैं, कोई बात नहीं। वो होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो भगवान जी से मिलने के लिए हमें ये टेस्ट पार करना पड़ा। तो गाइस मैं पहुँचने वाली हूँ, आई एम सो हैप्पी। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप वेल हैं और कोई तबीयत ख़राब नहीं आपकी, तो फॉर श्योर आप पैदल ही आएँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड अ बिग थैंक टू माई डैड बिकॉज उन्होंने मुझे यहाँ, सीरियसली गाइज हम काम से आए थे, हमारा सडन टूर बना था जैसे मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो हमें पता नहीं था, हम सिर्फ काम से आए थे और मैं पहले ही ब्लॉग बनाने वाली थी। उसके बाद क्लिक मतलब एकदम से ही डैड ने बोला आप बद्रीनाथ चले जाओ, देन हम बद्रीनाथ गए, उसका भी ब्लॉग आपने देख लिया। देन हम सोच रहे थे आज सुबह कि हम अपने घर वापस चल जाते हैं, एकदम से पापा का कुछ काम आया, भाभी ने कहा आप लोग केदारनाथ चले जाओ, एंड देन आई एम हेयर एंड बिग थैंक टू माई डैड, थैंक यू सो मच कि मेरे फादर ने मुझे 2 धाम घुमा दिए हैं। इन फ्यूचर फ्यूचर में डैड ज़रूर ज़रूर 2 और धाम घुमा देंगे, गंगोत्री यमुनोत्री। तो गाइस आपको आगे मिलती हूँ मैं, बिकॉज मैं सांस ले पा रही हूँ और मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। एंड गाइस ये श्री गंगा मंदाकिनी सरस्वती माता मंदिर है, यू कैन सी बड़ा प्यारा सा है, क्यूट सा छोटू सा। गाइस यू कैन सी कि जब 2013 में आपदा आई थी तो उसके बाद ये सारे बॉर्डर्स बने हैं, मतलब सिक्योरिटी के लिए टाइप ऑफ, कि अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है तो
मंदिर को कोई नुकसान ना। वैसे पिछली बार ज्यादा नुकसान मतलब मंदिर के बाहर की चीजों को तो हुआ था, मंदिर को नहीं हुआ था, बट काइंड ऑफ आगे कुछ ज्यादा ही आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस आप देख ही सकते हो मेरे पीछे का व्यू इतना प्यारा है रे। बस बस थोड़ा सा ही है, बस थोड़ा सा। सो गाइस यू कैन सी द राइट इन फ्रंट ऑफ मी इज केदारनाथ टेम्पल। सॉरी बार बार ही बोलने के लिए, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बट वो मेरी आदत है। तो आप देख ही सकते हो गे, एंड अभी भी हम चल ही रहे हैं, देख सकते हो आप इस शख्स को भी। तो मैं आपको आगे मिलती हूँ। सो गाइज एट लास्ट हम पहुँच ही चुके हैं, एंड यू कैन सी मेरे पीछे केदारनाथ टेम्पल है, एंड दिस इज सो प्रिटी, सो प्रिटी। आई इवन कांट एक्सप्लेन दिस हाउ प्रिटी दिस इज। लाइक बद्रीनाथ भी बहुत अच्छा था, 6 बजे के निकले हुए, 3 बजे पहुंचे, 6 बजे निकले थे और 3 बजे बचे हो, तो आपको पता ही है 3 बजे पहुंच चुके हैं। एंड बहुत सर दर्द हो रहा है, बट यहाँ आके थोड़ा मूड अच्छा हुआ बिकॉज बहुत अच्छी वाइब आ रही है। एंड अभी दरवाजा बंद है, शायद 4:30 खुलेंगे, एंड वो बैरियर टाइप काइंड ऑफ लगा रखे हैं बिकॉज कोरोना सीजन में हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, तो बाहर से ही हमारे दर्शन होंगे। तो आगे भी मैं आपको मिलाऊंगी। ये टेम्पल है और यहाँ ये बाबा जी बैठ रखे हैं। बाबा जी आप कितने साल से हो यहाँ पे? बहुत साल। अच्छा, और जब यहाँ आपदा आई थी तब आप थे यहाँ पे? नहीं, मैं अमरनाथ था। अच्छा, और आप कितने साल से हो? मुझे रखा ही नहीं। अच्छा, तो आप जा रखे थे? अच्छा। सो गाइस ये जो आपको इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है, ये है भीम पत्थर, है ना भैया? यह है भीम पत्थर। अब मैं इसकी आपको स्टोरी बताती हूँ। यहाँ से पूरी बाढ़ आई थी एंड उस साइड से भी पूरी बाढ़ आई थी। तो जब आपदा आई थी तो मंदिर को सिर्फ और सिर्फ इस भीम पत्थर ने बचाया था। कैसे? ये पानी को डिवाइड करी थी एक उस पार्ट में एंड उस पार्ट में, जिस वजह से ये केदारनाथ मंदिर बच गया था उस आपदा में जो 2013 में हुई थी। गाइस दिस इज अमृत कुंड, और ये काफ़ी छोटा है और यहाँ पर भी थोड़ी गंदगी हो रखी है। आई एम इन लव विद दिस वेदर, दिस व्यू एंड यहाँ पे टेम्पल, तो मुझे बहुत मज़ा आ रही है अभी। सो गाइस ये मंदिर भैरव स्वामी का है, शिव जी के रक्षक, हाँ जी, तो उनका मंदिर है, आप देख सकते हो। गाइज दिस इज टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, ये मैंने आपको दिखाई दिया। पीछे भीम पत्थर है वो भी मैंने आपको दिखाई दिया, और कुंड भी मैंने आपको दिखाई दिया। एंड अभी मेरी तबीयत सो चुकी है थोड़ी सही, एंड सोनी की भी तबीयत हो चुकी है थोड़ी सोई। तो अभी हमने ले लिया होटल बिकॉज हमें थोड़ा रेस्ट करना था। इतना ज़्यादा चल के आए, 6 बजे निकले थे एंड 3 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं, और हम बहुत थक चुके हैं। जाना तो ईजी है बट चढ़ाई करना बहुत हार्ड है, और बीच में हमें ग्लेशियर्स दिखे। एंड गाइस सीरियसली मैंने आज तक कभी बर्फ़ नहीं देखी, और आज देखे ना, आई एम सो हैप्पी। वो स्नो था बट वैसा स्नो नहीं देखना था, पर देख लिया ना, कहने को तो बोल सकते हैं स्नो देख लिया। तो गाइस अभी हमने ले लिया है होटल, हम जाके रेस्ट करेंगे, एंड शायद 5 बजे मंदिर के गेट खुलते हैं, एंड 7:30 बजे होती है यहाँ की पूजा आरती होती है, तो मैं आपको तब मिलती हूँ। पापा हेलो गाइस, हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया था, देन हम रेडी हो चुके हैं, एंड मैंने जाकर पूरी क्लोज कर लिया बिकॉज यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। एंड आप देख ही सकते हो केदारनाथ कितना प्यारा लग रहा है आज की लाइटिंग। तो मैं आपको आगे जाके मिलाती हूँ। गाइस यू कैन सी दिस व्यू राइट इन फ्रंट ऑफ मी। रात में कैसा लग रहा है, पूजा होने वाली है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप देख सकते हो। पता नहीं लोगों ने मास्क ही नहीं पहना है, बड़ी है ऑल गाइस, मास्क पहने हमने। शंकर महाराज की जय, बोलो केदार बाबा की जय, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा,
तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, सुंदरदेव रे महेश्वरा। जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की रोट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु रे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, सुंदरदेव रे महेश्वरा। केदारनाथ की नहीं डालने दे रही क्या यार। देखो भैया बड़े खुश हो रहे, ये हमारे पंडित जी हैं। सो गाइस आके मिलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आई एम बैक। एंड अभी हो रही है सुबह, रात को हमने जब दर्शन वगैरह करे आरती में बैठे, देन उसके बाद हम खाना खाने गए। जब खाना खाने के लिए जब मैं उठी थी ना तो माय लेग्स वर डेड, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे पैर ही नहीं, मैं चल ही नहीं सकती, इतना दर्द हो रहा था। देन खाना खा के वापस आए और बहुत हालत खराब हो गई थी मेरी, तो फिर मूव वगैरह लगाए और मैंने सोचा था मैं चल नहीं पाऊंगी, कि मैं वापस नहीं जा पाऊंगी कल। देन मूव वगैरह लगा के सो गए थे। थैंक गॉड, मीन सच में भगवान जी होते हैं। जैसा ये पेन हो रहा था ना दो दिन से पहले, ये पेन सही नहीं होता है, बट मेरा पेन सही हो गया है एंड मैं हूँ लायक आज घर जाने के लिए। सो गाइज, मेरे को आपको व्यू दिखाना है, यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है जस्ट मेरे रूम के बगल से, तो आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, यू कैन सी मेरे सामने इतनी सारी बर्फ पड़ी है, पर वो दूसरे वाले पहाड़ में है। एंड ये केदारनाथ जी, जय भोले, इतने सारे लोग हैं। एंड हम अभी थोड़े देर वहाँ आरती मीन्स। सो गाइज, अभी हमने टीका लगवा लिया है एंड प्रसाद भी ले लिया है। एंड यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स नहीं खुली है, एक दो ही खुल रखी है प्रसाद वगैरह के लिए, और मैं आपको दिखा देती हूँ।
अभी आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको दिखा दूंगी व्यू यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा पीछे मंदिर एंड देन स्नो ही स्नो एंड अभी हमने पूजा कर ली है, प्रसाद वसाद चढ़ा दिया, बाकी तो पूजा यहाँ पॉसिबल नहीं है बिकॉज करोना सीजन। तो हम चल रहे हैं वापस विदास्टिक्स और सच में भगवान जी होते हैं बिकॉज मेरे पैर पे बहुत पेन हो रहा था एंड देन इसके अच्छा ही हो चुका है। आई बज रहे 8 और हम निकल रहे हैं पैदल पैदल घर को एंड वी आर प्लानिंग वन मोर थिंग तो वो तो आपको बता ही दूंगी अब मैं, अब नो सीक्रेट्स। तो मिलते हैं गाइस आगे। सो गाइस हम भीमबली पहुंच चुके हैं, आपको मेरी हालत दिख ही रही होगी कितनी बुरी होगी, गाल देखो कितने चीक पे रेड रेड, नोज रेड, ठंडा भी हो रहा था एंड हम वही रेस्टोरों में आए जहाँ हमने जाते हुए खाया था भीमबली में एंड यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है गोविंद का, कौन सी घाटी भैया, 6 किलोमीटर दूर यहाँ से क्या है गौरीकुंड, तो तब पहुँचेंगे देन उसके बाद गौरीकुंड के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद हमें ट्रैकर से अपनी गाड़ी नहीं लाने दी हमें यहाँ तक, तो ट्रैकर से हमें सोनप्रयाग जाना, देन सोनप्रयाग में हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, देन वहाँ से अपनी गाड़ी लेके तब हम घर आएंगे शिमली, फिर उसके बाद घर आएंगे। तो मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा बस मन कर अपनी कार तक पहुँचूँ, अपने शूज़ निकाल के फेंक दूँ बस। गाइस आगे मिलते हैं। गाइस हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं और आप देख ही सकते हो यहाँ बारिश हो रही है बहुत, मतलब थोड़े जब 2 किलोमीटर बचा था वहीं से बारिश हो रही थी एंड आई कैन इवन एक्सप्लेन यू गाइस कि हाउ मच माई लेग्स आर पेनिंग, मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बस बाकी भी ट्रैकर में बैठ के कार तक जाते हैं तो ना मैं आप लोगों से बात करती हूँ, इसकी हालत देख लो इसकी तो बहुत ही बुरी हो गई थी। तो मिलते हैं। सो गाइस हम अपनी कार पे पहुँच चुके हैं एंड हमारी जैकेट्स पूरी गीली हो गई थी तो हमने जैकेट रिमूव कर दिया एंड बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। हम तब से बोल से भैया बद्रीनाथ में तो बर्फ़ पड़ती है, यहाँ तो कोई ठंडा नहीं हो रहा, केदारनाथ में ठंडा नहीं हो रहा, अब जब नीचे आए तो हमें बहुत ठंडा लग रहा है। एंड गाइस मेरा थोड़ा पैर का दर्द थोड़ा सही हुआ है, बाकी आगे देखते हैं, बाकी कुछ नहीं पता। आगे हम रेस्टोरेंट में रुकेंगे किसी खाना खाने, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो हम आपको आगे मिलते हैं गाइस। सो गाइस एट लास्ट हम अपने घर जा रहे हैं आज एंड थोड़ा बुरा भी लग रहा है पर थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि अपने फ्रेंड से मिलूंगी बिकॉज आई एम मिसिंग माई फ्रेंड सो मच, मुझे बहुत याद आ रही है उनकी और मम्मी की भी बहुत याद आ रही है, मम्मी के खाने की एंड अपने ब्रदर का बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर सकी क्योंकि 23rd हम यहीं थे, उसका बर्थडे था तो हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे अभी घर जाके। एंड हाँ मैं घर जा रही हूँ और मेरे को बहुत मज़ा आई यहाँ घूमने में बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फर्गेट टू क्लिक द बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना एंड गाइज आपको क्या क्या चाहिए मीन मेरे चैनल पर, इफ़ यू वॉन्ट ब्लॉग्स तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको ऐसी ब्लॉग्स चाहिए, चैलेंजेस चाहिए आप ये बताइए, हॉल्स चाहिए, क्लोथ हॉल चाहिए, आप सब मेरे को कमेंट करके बताइए। सो बाय बाय गाइज, मीट यू सून।